पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, आप दोनों आपस में बात कर लो। साक्षी जी, आपका किसी मानव नाम के आदमी के साथ कोई रिश्ता था क्या? सर, आज तो बाबा ने सेंचुरी मारी। ओके। सर, मैं तो कहता हूँ कि बाबा को आप क्रिकेटर ही बनाइएगा। आज बाबा बहुत खुश थे। आजा बेटा, आजा। तेरे लल्ला ने आज तो कमाल कर दिया। दे चौके, दे छक्के, कभी गेंद ऊपर से, कभी दाएं से, कभी बाएं से, मेरी तो गर्दन ही लचक गई। हाँ, पर लल्ला आउट ना हुआ। देख बेटा, अब तुझे परेशान होने की बिल्कुल जरूरत ना है। बच्चे को बच्चों वाला माहौल मिल जाए ना, तो मेरे से पहले वो रंग में आ जाएगा। ये तो है का? अब सोया है, मैच खेल के शरीर को थका दिया, आराम भी तो चाहिए ना बेटा। वैसे लल्ला आज अपनी मम्मा के साथ बड़े मजे से खेला। I'm so sorry, माना। यतु के साथ मुझे जितना वक्त मिला था, मैं उससे ज्यादा वक्त यहाँ रुक गई यतु के पास। देखो कितनी गहरी नींद सो रहा है ये। You know, आज इसने सेंचुरी मारी, इसकी गेम बहुत अच्छी हो गई है जब से मैं इससे दूर गई हूँ। तो मैं चलूं? मानव, बच्चों के दिल में मासूमियत होनी चाहिए, कड़वाहट नहीं। यथु के दिल में मेरे लिए जो भी गिले शिकवे हैं, वो हम दोनों को मिलकर मिटाने होंगे। और ये मैं अपने लिए नहीं कह रही, यथु के लिए कह रही। आज तुमने मुझे यथु के साथ इतना टाइम स्पेंड करने दिया, उसके लिए मैं तुम्हें दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। नहीं, तुम यथु की माँ हो, कोर्ट ने तुम्हें विजिटेशन राइट्स दे रखे हैं, हक है तुम्हारा ही तुम्हें, मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। मानव, तुम्हें मुझे और यतु को लेकर इनसिक्योर होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यतु के लिए तुम हमेशा नंबर वन थे और हमेशा नंबर वन रहोगी। यतु की जिंदगी में अगर मुझे थोड़ी सी भी जगह मिल जाए तो मेरे लिए बहुत है। ठीक है, मैं चलती हूँ। आकांक्षा में इतना बदलाव दिखावा है या हकीकत? ये किसके लिए दादी? ये तो बस यूं ही,
लल्ला सोया है तो सोचा हम आओ कुछ काम कर लो और सर्दियां आने तक स्वेटर तो बन के तैयार हो जाएगा। दादी आकांक्षा का भाई यतु से मिलने? वही जब मैंने तुझे मैसेज भेजा था लल्ला बेट बॉल खेला था तभी आकांक्षा बीती आई थी। फिर लल्ला ने मुए कही, दादी मैं बहुत थक गया हूँ अब मुझे सोना। यतु के साथ कौन कौन गया था? मतलब आकांक्षा यतु के कमरे में कब गई? बेटा साथ तो उसकी मम्मा ही गई थी, मैंने तो सिर्फ बिस्तर लगाया था। नादे, ये क्या है? इससे तुम्हें अच्छी और गहरी नींद आएगी और थोड़ी देर बाद जब मैं कमरे में आई तो देखा लल्ला शांति से अपनी मम्मा की गोद में लेटे लेटे गाना सुन रहा था। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। कोई बात हो गई बेटा? मुझसे कोई गलती तो ना हुई? नहीं नहीं मैंने ऐसे ही पूछ लिया। डॉक्यूमेंट्स वहाँ चले गए तो वापस मंगवाने की जरूरत नहीं है। नहीं, I'll just call you back, man. What is wrong with you? इतनी रैम है फोन पे? 50s के ओल्ड स्कूल गाने गा रही हूँ। पहली बार ये 50s का नहीं 90s का सॉन्ग है। जो भी है। And old is gold, मेरी जान। और तुम्हें पता है यही सॉन्ग सुना के मैंने यतु को अपनी गोद में सुलाया था। What? Are you serious? यतु तुम्हारी गोद में सो गया? नहीं अकान, मुझे इंप्रेस करने के लिए झूठ मूठ की कहानियां बना रही हो ना तुम। Look at this. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। Little monster, I mean, ये little यतु, ये सो गया तुम्हारी गोद में इतनी आसानी से? ये तुम्हें मानव की शक्ल देखनी चाहिए थी। वो एग्जैक्टली exactly, उसका भी मुंह खुला का खुला रह गया था। वो नहीं, मैं तो वैभव उसकी भी बोलती बंद हो गई थी ऐसे ही। वाओ तुम तो मानव की बड़ी अच्छी मिमिक्री कर लेते हो। तुम्हें पता है यतु के साथ मुझे देख के ना एक ही दिन में वो इतना इनसिक्योर हो गया था कि क्या यार वैभव, कभी तो मेरे पीछे पे हंस लिया करो, हमेशा ऐसे खड़ूसों की तरह घूरते रहते हो। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।